कुछ खबरें होती हैं ऐसी जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है और इस तरह की खबरें क्यों बाहर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सिसावा बाजार में युवती को जो नशीला पदार्थ खिलाकर लगभग आधे दर्जन लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया था, गैंगरेप किया गया था। एक ये महिला जो कि स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी, इसी दौरान बदमाश आए, उन्होंने झांसा देकर नशीला पदार्थ खिलाया और आपको बता दें इस महिला की हालत इतनी खराब हो गई थी कि चार दिन तक उसे होश नहीं आया। इस दौरान पुलिस की भी लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को हल्के में लिया और इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये घटना 20 फरवरी की है। पीड़ित महिला सिसवा बाजार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी, उसे अपने मामा के घर पिपराइच जाना था, इसी बीच इस घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि पुलिस ने इसे शुरू में गैंगरेप नहीं माना। ये लड़की को जब लोगों ने देखा बेसुध अवस्था में तो पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस ने इसे दूसरा मामला समझकर छोड़ दिया। चार दिन बाद जब इस पीड़िता को होश आया तब उसने पूरी जानकारी दी, तब जाकर कार्रवाई कर रही है पुलिस। स्टेशन पर कुछ बदमाशों ने इसे झांसे में लिया, पहले बिस्कुट खिलाया फिर चाय पिलाई जिसमें बेहोशी की दवा थी, उसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी राम स्नेही उर्फ स्नेही निवासी खेसरारी मंगल छपरा बुवर अनिल खरवार निवासी बीजापुर और लाला उर्फ राहुल श्रीवास्तव निवासी तुरकाही थाना हनुमानगंज कुशीनगर के खिलाफ अब सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस मामले में ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं जीआरपी की मिलीभगत है, क्योंकि इतना सब कुछ स्टेशन पर हो जाता है और जीआरपी के कर्मियों को कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ पर अवैध वेंडरों की भी गहमागहमी देखने को मिलती है, लेकिन इतनी बड़ी घटना को स्टेशन पर अंजाम दे दिया गया और किसी को कुछ जानकारी नहीं हुई, तो ये तो पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। इस मामले में सबसे बड़ी बात ये कि इसमें से तीन अवैध वेंडर थे जो कि स्टेशन पर पहुंचते हैं, सामान बेचते हैं और इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि तीन को हिरासत में ले लिया गया है, एक हिरासत से बाहर है, पहचान कर ली गई है सबकी, लेकिन अब ये सवाल उठने लगा है क्या इस तरह के अवैध वेंडर स्टेशन पर खुलेआम घूमते हैं, उन पर कोई नजर रखने वाला नहीं होता है। जीआरपी कहाँ रहती है, जीआरपीएफ जवान और सुरक्षाकर्मी जो जहाँ वहाँ मौजूद रहते हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है, तो आखिर इतनी बड़ी घटना स्टेशन पर अंजाम दे दी जाती है।